हेलो एवरीवन, आई एम यश चंदाराणा और आज आपके लिए समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट लेके आया हूँ मैं, वो भी ये यूनिक ट्राइबल विलेज स्टे आपको यहाँ पे मिलेगा। हम लोग कॉन्क्रीट में तो बहुत रहते हैं, वी आर डन विद दैट बंगलोज एंड यू नो दिस इज समथिंग यूनिक जहाँ पे आपको 100% नेटवर्क मिलेगा और 100% सुकून भी मिलेगा। इस प्लेस का नाम है ट्रैंक्विल मेडोज जो लोकेटेड है पालघर में। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी एंड सेरेनिटी मिलेगी बिकॉज इतना पीसफुल है। पीछे ही माउंटेन लोकेटेड है मेरे जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड इसकी प्राइसिंग बहुत रीजनेबल है जो वीडियो में मेंशन होगी। इसकी बुकिंग्स कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं ही बुकिंग लेता हूं। इसकी सारी डिटेल्स, फूड कैसा है, स्टे कैसा है, अंदर से कैसा है, सब मौजूद होगा इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ इनका ये एरिया, लॉन एरिया जो काफ़ी बढ़िया है। रात के टाइम पे आप यहाँ पे म्यूज़िक सुन के पार्टी कर सकते हो, ड्रिंक्स कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो पहले ये देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पहले दिखा रहा हूँ मैं बिकॉज़ यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग शुरू हो जाएगी रात को, यानी इतना बड़ा लॉन एरिया है। किचन एग्जैक्टली यहाँ पे, जहाँ पे आपका चेक इन के बाद आपको खाना मिलेगा, आपका डिनर सब यहीं पे होने वाला है किचन के एरिया में। यहाँ पे ऑल्सो दे हैव वॉशरूम्स, यहाँ पे एक वॉशरूम है, वो साइड पे एक वॉशरूम है। तो सारी डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको ले जाता हूँ पहले इनके ग्रुप टेंट में और अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा है, फिर आपको दिखाऊंगा कपल के टेंट्स, वो भी देख लीजिए। चलिए आपको ले जाता हूँ इनके ग्रुप कॉटेज में, जहाँ पे आप चार लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हो। और ये अंदर से इतना ज़्यादा स्पेशियस है, जहाँ पे आपको इधर एक डबल बेड मिल जाएगा, ये साइड एक डबल बेड मिल जाएगा एंड यहाँ पे दो फैंस भी है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इस कॉटेज की ये है कि यहाँ पे आप वॉक भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा स्पेशियस है। बाकी सब जो ग्रुप टेंट्स हम देखते हैं वो थोड़े कंजेस्टेड होते हैं, बट दिस इज़ वेरी स्पेशियस। चलिए अभी आपको मैं इनका वॉशरूम्स भी दिखा देता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे आता है बाथरूम को लेके, तो यहाँ पे वॉशरूम्स इनके देख लीजिए। यहाँ पे आपको मिलता है एक बढ़िया सा शावर एरिया, यहाँ पे कमोड एंड देयर इज अ वॉश बेसिन विद अ मिरर। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कॉमन वॉशरूम्स होने के बावजूद भी आपको इतनी फैसिलिटी मिलती है कि आप नेक्स्ट डे यहाँ पे नहा के फ्रेश होके निकल सकते हो। और ऐसे इनके पास टोटल चार है, दो ये साइड पे और दो दूसरी साइड पे, चारों सेम है। तो वॉशरूम्स कॉमन होने के बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अभी मैं आपको लेके जाता हूँ इनके कपल के कॉटेजेस में, जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और बहुत प्राइवेट है। ये देखिए ये है टेंट नंबर वन, अभी मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। और ये एक पेट फ्रेंडली रिसॉर्ट है, ये देखिए मेरा पेट यहाँ पे बिंदास घूम रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बड़ा सा स्पेस ओनली फॉर टू ऑफ यू, वेयर यू कैन ड्रिंक, हैव योर कॉफी। ग्रुप्स के लिए अलग स्पेस है, सो दिस इज योर प्राइवेसी। लेट मी टेक यू इनसाइड। ये पूरा टेंट आप देख रहे हो, ये पूरा आपका होने वाला है, एंड कम विद मी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बढ़िया सा डबल बेड, यहाँ पे दो फैंस है कि आपको गर्मी ना हो। देयर इज ऑल्सो एरिया ऑफ सोफा, यू कैन सिट विद योर पार्टनर। सो दिस सो स्पेशियस। इतना ही नहीं, अंदर से तो आपने देख लिया पूरा, लेट मी शो यू दिस साइड। ये पूरा देख रहे हो आप, पूरा आपका होने वाला है जस्ट फॉर टू ऑफ यू। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे साइकिलिंग का ऑप्शन है, जहाँ पे आप इधर अपने पार्टनर के साथ साइकिल्स चला सकते हो। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी साइकिल्स है जो झाड़ के साथ अटैच्ड होगी, वे यू कैन डू साइकिलिंग एंड हैव अ गुड टाइम विद योर पार्टनर। इतना ही नहीं, अगर आपको वॉलीबॉल खेलना है, आप ग्रुप में आ रहे हो, तो ये भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, अपना टाइम बढ़िया सा स्पेंड कर सकते हो। एंड देर इज़ अ ट्रैकिंग स्पॉट जहाँ पे आपको इधर से लेके जाएंगे एंड ऊपर तक, वहाँ पे आप देख रहे हो पत्थर, वहाँ तक लेके जाएंगे और आप ट्रैक कर सकते हो। और ये सनसेट का नज़ारा तो 10/10 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सो लविंग दिस। अभी जाते हैं हम लोग, देखते हैं इनका मूवी सेटअप कैसा होने वाला है। अच्छा, मैं आया वैसे ही मुझे मिला गर्मा गर्म वड़ा पाव एंड सैंडविच और चाय। अभी रात का होगा हमारा बारबेक्यू, शाम का इनफैक्ट रात का डिनर और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट भी है, पूरा पैकेज होगा। चलिए जाते हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोग मूवी स्टार्ट करेंगे, बढ़िया सी मूवी लगाएंगे और इन्जॉय करेंगे। यहाँ पे इस टाइम पे आपको बारबेक्यू का भी ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो एडिशनल होगा। मैं आपको एक बढ़िया सा पैकेज बना के दूंगा विद बारबेक्यू, जहाँ पे आप बारबेक्यू खा के यहाँ पे प्रोजेक्टर में मूवी एंजॉय कर सकते हो। अभी टाइम हो गया है बारबेक्यू बनाने का। मैं वेजिटेरियन हूँ, जैसे आप सभी को पता है, मेरी वीडियोज़ में आप देखते हो मैं वेज बना रहा हूँ। अगर आप लोग नॉन वेज खाते हो तो यहाँ पे आपको चिकन बारबेक्यू भी मिल जाएगा, वो भी एक बढ़िया सा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। वेज नॉन वेज भी दोनों मिल जाएंगे। दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस। और यहाँ पे मुझे बनाने का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो अगर आपको भी ये करना है तो आप बता दीजिएगा जल्दी, तो आपको ये भी एक्सपीरियंस दिला देंगे। यहाँ पे अभी बॉन फायर शुरू किया हम लोगों ने बिकॉज ठंडी है, हम लोग थोड़ा अंदर है जंगल की साइड पे, तो ये थोड़ा सा मज़ा आता है। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी है आसपास में, माउंटेन्स है, ठंडा रहता है यहाँ पे। तो ये इस बढ़िया से बॉन फायर में आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठिए, अच्छा सा टाइम स्पेंड कीजिए एंड एन्जॉय योर नाइट।
ऑलराइट, सो अभी कर रहा हूँ मैं डिनर। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, पनीर की सब्जी, कोल्हापुरी, दाल चावल, रोटी, पापड़, गुलाब जामुन, इतना सारा खाना है। बहुत ही टेस्टी है ये गुलाब जामुन, वन ऑफ माई फेवरेट। सो लेट मी टेल यू, आपको नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होकर मिलेगा। बारबेक्यू के साथ आपको बहुत ही बढ़िया पैकेज दिला दूंगा। इसका ग्रुप का रेट है 1600 रुपीज पर पर्सन विद ऑल मील, अगर आप मोर देन 5 पीपल आते हो, और कपल में आते हो दैट विल बी 1800 रुपीज पर पर्सन विद ऑल मील, मतलब 3600 फॉर कपल। कॉटेज दे दूंगा, ऑल मील इंक्लूडेड, 4 o'clock चेक इन, नेक्स्ट डे 11 o'clock चेकआउट। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसे बुक करने का सबसे आसान तरीका है, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM करना है और आपको मैं बुक कर दूंगा इसे, या फिर आपको मुझे WhatsApp करना है @9321867511 और आपको मैं तुरंत ही अवेलेबिलिटी अगर होगा मेरे पास तुरंत ही बुक करके दे दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।